स्कूल का फीस नहीं भर पाया है। झारखंड रिप्रेजेंट स्कूल का बच्चा का फीस नहीं भर पाया है। कहते का जी अकेला औरत हो क्या मजदूरी कर रहा है। हेमंत सरकार जो है उन लोगों को बोलिए हम लोग को संभालने के लिए तो सारे प्रशासन भेजे, कभी बोले कि प्रशासन जाओ लोग हेल्प करो, कभी भी नहीं। मेरा घर का स्थिति इतना खराब है कि हम अपना गेम नहीं ध्यान दे पा रहे सर। मेरा उम्मीद था सर कि मैं इस जॉब को करके अपना खेल को आगे विकसित करूंगा सर। धनबाद से कई होमगार्ड अभ्यर्थी झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर पैदल निकल पड़े हैं। दरअसल पिछले 5 वर्षों से 735 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ये होमगार्ड अभ्यर्थी कई दिनों से धनबाद में धरना दे रहे हैं, लेकिन जब इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो धरने पर बैठे सभी होमगार्ड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी रांची के लिए पैदल निकल पड़े। और जब जब पासबुक में मोहर का लगना है, पासबुक खुलता है। देखिए सर, जब सरकार हम लोगों सर एक तरह से कर्मचारी घोषित कर दिया गया सर, होमगार्ड का पूरा टेक दे दिया सर। देखिए सर, लिखा है ना, कुछ लगा हुआ है ना। हम लोग सर पासबुक कब खुलता है, जब आदमी को सरकारी कर्मचारी घोषित कर लिया जाता है तब। एक मिनट रुको, माननीय मंत्री जी से हम लोग यही गुहार करते हैं, आपको अगर वैकेंसी नहीं होती, नहीं बहाली करवाना था तो क्यों बहाली निकाला जी? क्यों इतना करके आशा दिला के 5 साल से बोल रहे हैं कि अभी सीडी गुम हो गया था, फलाना ढकना करके रद्द अगर करवाना ही था तो 6 महीने पहले करवा देता। 5 साल में कितना एज गया, देखिए सबका चेहरा का रंग बता रहा है। 5 साल में हम लोग जो सरकार नियम बनाई है हर नियम ये सरकार खुद हम लोग चुना है, ये सरकार हम लोग इतना घिनौना मजाक करेंगे। जब दौड़ का प्रक्रिया निकाले थे तब मेरे हस्बैंड थे, उसी के साथ हम आते थे जाते थे, कितना खुश थे। ए टू जे सब प्रक्रिया हो चुका था, दोनों पति पत्नी मिलकर सरकारी जॉब होगा, बाल बुतरों का परवरिश करेंगे। एक्सीडेंट होके अचानक मेरे हस्बैंड डेड कर गया, अकेले विधवा होगा, औरत होकर हम बाल बुतरों को पूछ सकेंगे जी? मजदूरी करके बोलिए देगा सरकार मेरे। सर हम लोग पीपीएफ अकाउंट तक खुला दिया गया सर, इसमें सर हम लोग 7 से 8 हजार रुपए चार्ज भी काट लिया गया सर, पूरा अप टू डेट दिखा सकते हैं सर। हम लोग का इसमें कोई दोष नहीं सर, हम लोग सारा प्रोसेस एकदम लीगल तरीका से सर एकदम क्लियर किए सर, बहुत अच्छी तरह से हम लोग का सारा प्रोसेस क्लियर किए सर। उसके बाद शरीर रह गया, बाकी सब कुछ खत्म हो गया हम लोग सर। DSP सर लोग आश्वासन के थ्रू से वो लोग हम लोग को परगला करके भेज दिए सर कि आप लोग का बात रखा जाएगा। और सर हम लोग 40 से 45 सर धनबाद अपने जिला में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे सर, एक ना अधिकारी हम लोग से मिल रहा है ना कोई विधायक मिल रहा है। हम लोग का सदस्य सौतेला व्यवहार कर रहा ना कि हम लोग इस देश का इस राज्य का है ही नहीं, मजबूरन हम लोग क्या करें नक्सली बन जाए। हम लोग अच्छे घर से, हम लोग नहीं चाहते कुछ गलत करे सर। सर मैं सूरज कुमार यादव सर, झारखंड टीम को रिप्रेजेंट किया हूँ सर, शूटिंग वॉलीबॉल में सर एक नेशनल प्लेयर हूँ सर, मार्च में सर पंजाब से खेल का है सर। मेरा घर का स्थिति इतना खराब है कि हम अपना गेम नहीं ध्यान दे पा रहे सर। मेरा उम्मीद था सर कि मैं इस जॉब को करके अपना खेल को आगे विकसित करूंगा सर, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा सर। स्कूल में बच्चा का स्कूल में स्कूल का फीस नहीं भर पाया है, झारखंड रिप्रेजेंट स्कूल का बच्चा का फीस नहीं भर पाया है। कहते का जी अकेला औरत हो क्या मजदूरी कर रहा है। हेमंत सरकार जो है उन लोगों को बोलिए हम लोग को संभालने के लिए तो सारे प्रशासन भेजे, कभी बोले कि प्रशासन जाओ लोग हेल्प करो, कभी भी नहीं। ये हेमंत सरकार को हम लोग खुद चुने और इतने सारे युवा के साथ जितना भी खिलवाड़ हो रहा ना वो सही नहीं हो रहा है। आज ये सरकार हम लोग के साथ जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। हमारा सरकार हमें के बारे में नहीं सोच रहा, तो किसको सरकार बनाएंगे? धनबाद में है वो, धनबाद का प्रशासन को
कोई एसपी डीएसपी हम लोग को कुछ नहीं देखा, सोचे कि जाएंगे रांची सर, हम लोग मंत्रालय हम लोग का मैटर फंस रही है वीडियोग्राफी को लेकर। एक मिनट सर, हम लोग का मैटर फंस रही है वीडियोग्राफी का। सर जो पीएचडी का वीडियोग्राफी होती है सर, क्या उसका देख रेख हम लोग करेंगे सर? वो सर डीसी के नजारत के अधीन में रहते हैं सर, वो नजारत में था, क्या हुआ नहीं हुआ सर उसकी जिम्मेवार हम लोग पे डाल रहे सर। इस बार सर यहीं पे बैठना है सर हम लोग को, या सर पॉइजन दे दीजिए, या सर पॉइजन दे दीजिए, शांति शांति हम लोग मर जाएंगे, घर वाला भी शांति से, ना सर हमको खेल का टेंशन, ना नौकरी का टेंशन, आराम से दे दीजिए सर हम लोग, सुसाइड करने का हम लोग, आत्महत्या करने का हम लोग नोटिस दे दीजिए सर। हम लोग पैदल कम से कम रांची स्टेशन से विधानसभा न्यू विधानसभा तक आए सर, अब क्या किलोमीटर है सर पता नहीं, हम लोग 6 बजे सुबह निकले हैं और सर यहाँ तक पहुँचे। आपको सारा मीडिया को भी कांटेक्ट किए सर, लेकिन कोई हम लोग, आप लोग भी नहीं आए सर, आपको बहुत बार कॉल किए सर, सबको कॉल किए, कोई सर हम लोग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा सर, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों सर? मंत्री मुख्यमंत्री कौन बनाता है सर? हम ही लोग का फैमिली ना बनाते हैं सर, हम लोग का कमी से, हम लोग का टैक्स से सर सब चीज़ चलता है सर। बताइए सर क्या हम लोग का कमी है सर, क्या बताइए? अगर हम लोग के साथ अगर लाठी चार्ज करना तो कर दीजिए सर, हम लोग कुछ नहीं करते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।